हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चलने वाली वीडियो का ट्यूटोरियल मैं आज देने वाला हूं, जो कि इस वीडियो का आज मैं ट्यूटोरियल दूंगा कि दीवार में एक इमेजिनेशन होता है और वहां पे उसका ट्रांजिशन इफेक्ट चालू हो जाता है, तो इसे कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको अगर वायरल होना है तो अभी इस वीडियो को क्रिएट कर लीजिए, और कैसे करना है इसी को मैं आज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे फटाफट, और चैनल पे अगर कुछ बात समझ में नहीं आई होगी वीडियो में तो आप कमेंट करना ना भूलिए। साथ में यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पे जाकर मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं या कुछ पूछना हो जो एडिटिंग नहीं आती होगी वो पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना भूल गया, कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो दोस्तों, हम इस ऐप में आ गए हैं और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, थोड़ा मोरा वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपको तुरंत बता दूंगा कि कैसे बनाना है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अब हमें करना है कि इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप रिडायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपको हम बताते हैं करना क्या। सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि अलग अलग इफेक्ट है, तो यहाँ पे आपको उस इफेक्ट को खोजना है। तो यहाँ पे अभी ट्रेंड में चल रहा है ये वीडियो, तो ट्रेंड में आने के कारण ये वीडियो आपको सबसे ऊपर ही यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी इफेक्ट के सामने ऐसे खोलिएगा तो यहाँ पे आपको इफेक्ट में भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे इफेक्ट है, तो उसे हम छोड़ देते हैं, हमको उस वाले वीडियो की ज़रूरत है, तो हम उसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से फीचर में आते हैं और यहाँ सबसे पहले आ रहा है, इसको टैप करते हैं। यहाँ पे आप जब पहली बार खोलेंगे तो ये डाउनलोड करने का मांगेंगे, जो कि आप तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगा, जैसे ही टैप कीजिएगा डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्रिएट पे टैप करना है और नेट आपको हमेशा ऑन रखना है, नेट ऑन रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नेट को ऑन रखिएगा। अब यहाँ से साइनअप करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको फेसबुक या गूगल का ऑप्शन दे रहा है, तो हम फेसबुक से साइनअप हो जा रहे हैं यहाँ से, तो फेसबुक जैसे ही आईडी यहाँ पर डालेंगे तो साइनअप हो जाएगा, तो हम साइनअप कर लेते हैं। तो कंटिन्यू एज अमित आ रहा है, जो फेसबुक पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ से, और उसके बाद अब हमें करना क्या है, तो इसको पूरा लोड होने दीजिए, तो यहाँ पे आ गया है। अब हमें यहाँ पे क्रिएट पे फिर से टैप करना है और 0% यहाँ पे डाउनलोडिंग जैसे हो रहा है उस प्रकार से हो रहा है, 100% होने वाला है, तो होने दीजिए इसको, तो हम फिर आपको बताते हैं। और इसके बाद क्या करना है तो उसको ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया, अब हमें इस पर क्या करना है, दो फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं या तो एक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम पहले वाले पे सिलेक्ट करते हैं, टैप करते हैं, और यहाँ से क्या करना है, हमें पहले वाला फ़ोटो में जोड़ना है, तो यहाँ से प्लस पे टैप करना है, और टैप करने के बाद अपने एल्बम से चुन लेना है, जो भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं तो हम अपने एल्बम से फ़ोटो को चूज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इस फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं पहले, और यहाँ पर दूसरे इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये प्रोसेसिंग पूरा हो जाएगा, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा इसका 100% का, तो 100% होने दीजिए, थोड़ा सा समय लग सकता है, तो यहाँ पे बहुत ही स्पीड हो रहा है, तो हम इसको पूरा कर ही लेते हैं। और करने के बाद आपको करना क्या है इसको ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ से 100% हो गया, अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस तरह की इफेक्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने के साथ में मिल रहा है। आप एक भी फ़ोटो यूज कर सकते हैं और दूसरा भी लगा सकते हैं, तो यहाँ से इस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक ऐड करना है तो कर सकते हैं, वॉल्यूम बदलना बदल सकते हैं, म्यूजिक आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, और भी कुछ लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो हम इतना ही पे रहने देते, क्योंकि ये ट्रेंड में है। आप यहाँ पे ऐसे करके इसको सेव कर लीजिएगा, अब सेव हो जा रहा है, तो ये आपको ज़रूर गैलरी में चले जाएगा, उसके बाद आपको टिकटॉक में इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्यूटोरियल था, अभी इस तरह के वीडियो बना लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं रीडायरेक्ट। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।